दोस्तों आपकी दिवाली मनने के अगले दिन यानी कि 25 अक्टूबर को व्हाट्सएप कुछ इस तरीके से बंद हो गया जैसे कि सारे के सारे रॉकेट आपने व्हाट्सएप के सर्वर की तरफ ही छोड़ दिए थे। दरअसल 12 बजे के आसपास में 25 अक्टूबर को कई सारे लोगों को व्हाट्सएप के इशू आने लग गए थे, वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे और इसी के साथ साथ इसके बाद में पूरी तरीके से ब्लैकआउट ही हो गया था। यहाँ पर सिर्फ व्हाट्सएप ही नहीं बल्कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और फेसबुक मैसेंजर के साथ में भी ये प्रॉब्लम सामने आई थी और यही सेम प्रॉब्लम कुछ महीनों पहले भी हुई थी जब कुछ घंटों के लिए पूरी तरीके से बंद ही हो गया था सारी दुनिया के अंदर। और इस वक्त में भी यही हुआ कि सारी दुनिया के अंदर हालात कुछ इस तरीके के थे कि व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम और बाकी के जो भी इनके मैसेंजर हैं वो सारे तो बंद पड़े थे, लेकिन ट्विटर बड़ा खुश हुआ बैठा हुआ था और मार्क ज़करबर्ग कुछ तार पकड़ के ऐसे लगे हुए थे कि क्या इशू आ गया, और दुनिया अपने छज्जों पे ऐसे लटक चुकी थी जैसे कि कई घंटों के लिए इलेक्ट्रिसिटी ही गायब हो गई। तो यहाँ पर अब हमारी गवर्नमेंट ने खुद बाहर निकलकर ये सवाल पूछा है कि व्हाट्सएप तुझे हुआ क्या है, ऐसा हमने किया क्या है कि दो घंटे के लिए तू गुल हो गया था, क्या कोई साइबर अटैक हुआ था तेरे ऊपर या बात क्या थी, एक रिपोर्ट में हमें बता, और नहीं बताया तो ये माफ नहीं होगी तेरी हमारी XGF जैसी खता। क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट को ऐसा शक है कि क्या पता व्हाट्सएप हैक हो गया, क्योंकि देखो व्हाट्सएप और गवर्नमेंट के बीच में कई सारी बातें चल रही जो कि आप कई सालों से देख रहे होंगे कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन को हटाओ, हमको बीच में लाओ ताकि हम भी देख पाए कि क्या बातचीत चल रही है। जैसा चाइना के अंदर होता है वैसा यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि क्रिमिनल एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है तो उसको डिकोड करने के लिए हमें ऐसी एक्सेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो खैर ये बात तो नहीं है फिलहाल के लिए, गवर्नमेंट ने सवाल पूछा है क्या कोई साइबर अटैक हुआ था, क्या बात थी, तो यहाँ पर तो मेटा ने साफ सब बता दिया है कि भैया कोई टेक्निकल एरर थी, लेकिन स्पेसिफिकली बताओ कि कौन सी टेक्निकल एरर थी। ये बातें तो हम भी बोल सकते हैं कि टेक्निकल ग्लिच हो गई, सर्वर का इशू हो गया, ये तो हमें भी पता है, लेकिन एग्जैक्टली क्या चीज़ें हुई थी वो रिपोर्ट में लिख के दो। तो ऐसा अब मेटा को करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि क्या हुआ था ये पूरा मामला, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इंडिया के ही अंदर नहीं बल्कि कई कंट्रीज़ के अंदर व्हाट्सएप दो घंटे के लिए गुल हो गया था और एक ही सर्वर पे ये पूरा का पूरा व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और अपना फेसबुक मैसेंजर सेटअप करके बैठे हुए, जिसकी वजह से एक भी सर्वर जाता है तो सभी की बत्ती गुल हो जाती है। दोस्तों अभी गूगल के ऊपर 1338 करोड़ रुपये का फाइन लगाया ही था इंडियन गवर्नमेंट यानी कि कॉम्पिटिटिव मिशन ऑफ इंडिया ने, अब एक और फाइन उन पर लग चुका है, लेकिन जो पहले 1338 करोड़ रुपए का फाइन लगा था वो लगा था कि भैया तुम अपने गूगल प्ले स्टोर के ऊपर किसी और ऐप स्टोर को आने नहीं देते, इसी के साथ साथ एंड्रॉइड के ऊपर जो सेटअप होता है पूरा का पूरा वो तुम्हारे ही प्रोडक्ट्स का रहता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तुम्हारी एक मोनोपोली है, उसके ऊपर 1338 करोड़ का फाइन था। अब 936 करोड़ रुपए का एक और फाइन लगा दिया गया गूगल के ऊपर उनकी गूगल प्ले स्टोर पॉलिसीज को लेके कि भैया तुम्हारी जो पेमेंट मेथड है सिर्फ उसी से इन ऐप परचेज हो सकती है और उसी से जो भी कमीशन काटते हो तुम अपना उसके बाद डेवलपर को मिलता है, तो ये भी एक मोनोपोली चल रही है तुम्हारी, कि मतलब कोई दूसरा मेथड यूज़ नहीं कर सकता, वो सिर्फ तुम्हारे ही मेथड को यूज करके तुमको कमीशन देने के बाद में अपनी पेमेंट लेगा। दोस्तों हम सभी लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ तो बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा था कि आर्मी वाले जो चलाते हैं गाड़ियां वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जाएंगी। दोस्तों इंडियन आर्मी ने भी फैसला किया है कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जाएंगी, जिसका जो पहला बैच होगा उसमें 25% लाइट व्हीकल होंगे, 38% बसेज होंगी और 48% टू व्हीलर टाइप के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मौजूद होंगे। हालांकि इनके लिए कुछ स्पेसिफिक यूनिट तैयार की जा रही है जो कि सिर्फ इन्हीं के लिए बनाई जाएगी, ना कि जो भी दूसरे कंज्यूमर होते हैं उनके हिसाब से। दोस्तों रैट्स ऐसी जगह पर जा सकते हैं जहां पर इंसान नहीं जा सकते या फिर बहुत दिक्कतें होंगी वहां पर जाने के लिए, तो यहीं पर बेल्जियम की एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है अपोपो, वो ट्रेंड कर रही है रैट्स को उनके कमर पे कुछ बैकपैक लगा के जिसके अंदर कैमरा है, कुछ सेंसर है, जिसकी वजह से वो उन लोगों को ढूंढ सकते हैं जो कि अर्थक्वेक के मलबे में दबे हो सकते हैं। यहां पर इन रैट्स को ट्रेंड किया जा रहा है और उसके बाद में जब वो ये अपना काम करके वापस आते हैं फिलहाल के लिए इस ट्रेनिंग के अंदर, तो उनको खाने को कुछ ट्रीट दी जाती है जिसकी वजह से वो ये काम कर देते हैं इंसानों के लिए। दोस्तों इस बंदे ने अपनी आंख के अंदर फ्लैश लाइट लगवा ली, लेकिन किसी बीमारी की वजह से इसकी आंख चली गई थी कुछ सालों पहले, जिसकी वजह से इसने पत्थर की आंख यूज करनी शुरू करी। ये US का ब्रांड स्टैनली नाम के लिए बता देता हूं आपको, और इसने इस
चीज को सोचा कि चलो अब इस पत्थर की आंख की बजाय मुझे खुद ही का एक प्रोजेक्ट बनाना चाहिए जिसके अंदर मुझे आंख के अंदर फ्लैश लाइट लगा देनी चाहिए, जिससे कि अंधेरे में तो एटलीस्ट कुछ फायदा हो मेरी दूसरी वाली आंख को, जो कि बिल्कुल सही है। तो ये उस फ्लैश लाइट को यूज करता है अंधेरे के वक्त में। तो ये इसका कुछ डार्क प्रोजेक्ट है प्रोस्थेटिक आई के लिए, जिसकी जब एनिवर्सरी मनाई इसने तो कुछ इस तरीके से मनाई कि इसने इसको पॉक बॉल में कन्वर्ट कर दिया, जैसे कि पोकेमोन की एक बॉल होती थी फेंकने वाली, तो उसी टाइप की बना दी। जब ये इसकी लाइट नहीं जलाता है तो ये पॉक बॉल की तरह ही दिखती है। अब यहाँ पर दोस्तों एप्पल की तरफ से भी एक लीक सामने निकल कर आ रही है, जो कि वो लाइटनिंग पोर्ट यूज करते हैं, अब उसको वो यूएसबी टाइप सी के अंदर चेंज करने वाले हैं, क्योंकि यूरोपियन यूनियन और इसी के साथ साथ अमेरिका के अंदर भी इस तरीके की बातें चल रही है। खैर यूरोपियन यूनियन ने तो अब इसको लॉ बना दिया है कि 2024 के बाद में कोई भी फोन टाइप सी के बगैर में नहीं आएगा, एक यूनिवर्सल चार्जर होना चाहिए, तो इस वजह से ये सारी चीजें कही गई हैं। तो अब एप्पल के पास में कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय मैगसेफ के, हालांकि मैगसेफ की चार्जिंग उतनी ज्यादा फास्ट नहीं है, जिसकी वजह से अब उनको 2024 तक टाइप सी के अंदर ही कन्वर्ट होना पड़ेगा।